आज हम यही बनाने वाले हैं, इट्स यम चिकन चेटीनाड एंड मलाबार पराठा। हाय गाइस, वेलकम टू दीपिका की दुनिया एंड कुक विद डीकेआई का आज हम थर्ड एपिसोड शूट करेंगे। हाँ, थर्ड ही ना। हाँ, ओके। सो मैंने इस बार आप लोगों को बोला था कि अपने अपनी स्टेट की स्पेशलिटी बताइए, एंड मेरे पास बहुत सारे अलग 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 रेसिपीज आई, कुछ बहुत कॉमन, कुछ थोड़ी अनकॉमन। सो मुझे फाइनली जो पसंद आई, जो मैं आज बनाने जा रही हूँ, जो मुझे बहुत मन था कि मैं ये बनाऊँ, दैट इज चिकन चेटीनाड विथ मलाबार पराठा। Can't wait to eat it. Okay. So this is mainly from the region of Tamilians and ये South Indian cuisine में आता है as told to me by Muskan, क्योंकि ये Muskan की recipe है और उनका Insta page है via_my_plate। ओके, सो अभी हम जल्दी से शुरू करते हैं और एज यूजुअल गप्पे तो मैं साथ साथ में मारती रहूंगी। सबसे पहले मलाबार पराठा के डो के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो सबसे पहले मलाबार पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप्स ऑफ मैदा, ये है 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर, ये 3/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, ये थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, ये थोड़ा सा पानी लिया है, ये मैंने क्लिंग रैप लिया है और एक अंडा। ओके, नाउ सबसे पहले मुझे पता है सब लोग ये पूछने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं मुस्कान, आप जब भी ये वीडियो देखो प्लीज बताइएगा कि इस रेसिपी में अंडे का सब्स्टिट्यूट क्या है, बिकॉज बहुत सारे फ्रेंड्स वेजिटेरियन होते हैं तो आई एम श्योर वो ये पराठा विदाउट एग बनाना चाहेंगे। सो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी। ओके, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैदे में सॉल्ट एंड शुगर मिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम इसके बाद जितना भी रिक्वायर्ड है उतना आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। आपको एक सॉफ्ट डो गूंदना है, नॉट वेरी हार्ड। सो ये देखिए एकदम सॉफ्ट सा डो मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब इसको हमें ऊपर से सिर्फ ऑयल टच करना है, इस तरह से पूरा ऑयल लगाना है हमें इसके ऊपर। ओके, अब इसे हमें 20 मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ देना है, तो मैं इसे क्लिंग रैप में रैप करके छोड़ दूंगी और फिर हम चिकन की तैयारी करते हैं। ओके, सो अब हम चिकन शुरू करते हैं, चिकन चेटीनाड। सो इसके लिए क्या क्या चाहिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे 800 ग्राम्स ऑफ चिकन लिया है, साथ में हमें 3 मीडियम अनियंस स्लाइस्ड, मतलब लंबे लंबे पतले कटे हुए, 2 टमाटर एकदम बारीक कटे हुए, उसके बाद ये 3 हरी मिर्च और करीबन 15 से 20 कड़ी पत्ता, 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, मतलब 3 छोटे चम्मच, हल्दी ये हम हिसाब से डालेंगे, नमक ये हम स्वाद अनुसार डालेंगे। अब जो मेन है वो इंग्रेडिएंट्स इस प्लेट में हैं। सो ये मैंने लिया है 1 तेज पत्ता, मैंने लिया है मतलब मुस्कान ने इस तरह से बताया है, ये है 1 टीस्पून काली मिर्च, साबत काली मिर्च, साबत जीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, साबत धनिया 3 टीस्पून, ये चक्रफूल स्टार एनिस इसके 2, 3 इलायची, 4 लौंग, उन्होंने 1 जावित्री बोला था, मेरे पास ये कंप्लीट नहीं था तो आई थिंक दिस मच शुड बी फाइन, और ये 6 मैंने साबत लाल मिर्च ली हैं, 2 छोटे टुकड़े ऑफ दालचीनी, नॉट रियली, ये देख लीजिए इतने लिए हैं, और मैंने करीब 25 ग्राम, सो 15 पीसेस ऑफ होल कैश्यूज, वो बीच से स्प्लिट मैंने किया है, पर कंप्लीट 15 काजू लिए थे। अब
इस रेसिपी में मुस्कान ने लिखा है कि अगर आपको और ज्यादा थिक रिच ग्रेवी चाहिए तो आप 75 ग्राम्स काजू यूज कीजिए, लेकिन वो प्रेफर करती हैं 25 ग्राम्स यूज करना, तो जो वो ज्यादा प्रेफर करती हैं हम वही बनाएंगे। एंड लास्ट में 3 टेबल स्पून मतलब कि 3 बड़े चम्मच फ्रेश कोकोनट मैंने ग्रेट करके रखा है। अब आप अगर फ्रेश कोकोनट आपके पास नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज कर सकते हैं नाउ। और साथ में ऑब्वियसली हमें थोड़ा ऑयल चाहिए, सो हम सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इस प्लेट में जो सारे मसाले हैं उन्हें हम थोड़ा भून लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गरम हो गया है और मैं सारा इस प्लेट के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें थोड़े से सौते कर लूंगी। ओके, सो मैंने लगभग 2 से 3 मिनट इसे रोस्ट किया है मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए, और अब ये हो चुका है तो मैं इसे साइड में रख, सो हम इसे ठंडा होने देंगे और इसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। तब तक हम अपनी ग्रेवी स्टार्ट करते हैं। सो ये मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी क्योंकि मुझे अनियंस जो हैं वो हल्के से गोल्डन ब्राउन करने हैं। सो रेसिपी के हिसाब से आप घी ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो मैं हाफ हाफ मिक्स कर रही हूँ क्योंकि जब भी मैं अपना कोरमा बनाती हूँ तो मैं हाफ हाफ मिक्स करती हूँ और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सो आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट इसमें भी। सो अनियंस, इन्हें हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। आई थिंक हर रेसिपी में सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग वन ऑफ द थिंग्स होती है वो यही होती है कि हमें अनियन को भूनना है। सब अभी कैमरा के पीछे से हाँ बोल रहे हैं। ओके, सो ये प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब जो कड़ी पत्ता है वो हमें इसमें डाल देना है। एंड उसके बाद हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। एंड अब टमेटोज। और अभी जब तक ये टमेटो पूरी तरह से कुक नहीं हो जाता, अच्छे से वो ऑयल नहीं छोड़ने लगता, तब तक हमें इसे पकाना है। सो दैट इज गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। मैं मीडियम फ्लेम पे इसे छोड़ूंगी, हाई पे नहीं और बहुत स्लो पे भी नहीं, और तब तक हमारा जो ये पेस्ट है ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो मैं इसे पीस लेती हूँ। अच्छी तरह से पेस्ट बना लूंगी। ओके, सो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, सो आवर मसाला पेस्ट इज रेडी। अब हमें बस टमाटर कुक हो जाए उसके बाद हम ये ऐड करेंगे। सो जो मसाला है वो प्रॉपर तरीके से कुक हो चुका है और मेरी नोज जो है वो लाल हो चुकी है क्योंकि मुझे मिर्च से थोड़ा प्रॉब्लम है। मैंने गलती से मिर्च कट करके उसी हाथ से यहाँ पे ऐसे रब कर लिया, सो इसलिए इस वक्त मेरा ये पूरा बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो हम ये कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे क्या डालेंगे, टर्मरिक पाउडर एंड स्लिट ग्रीन चिलीज, हो जिनके बारे में बात की वही डालना है। तो ये हरी मिर्च और हल्दी और सॉल्ट, और इसे हम अच्छे से हाई फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे क्योंकि मसाले रोस्ट हो जाए, फिर हमें इसमें चिकन डाल देना है। सो मैंने तब तक इसे कुक किया है जब तक वो हल्दी की जो कच्ची स्मेल है वो पूरी तरह से गायब ना हो जाए। अब मैं इसमें ये चिकन डाल दूंगी। सो
सो मैंने दो मिनट के लिए चिकन को हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है। अब सबसे पहले मैं फ्लेम कम करूंगी एंड ये बहुत खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। सो अब जो मसाला हमने ग्राइंड किया था ये हम इसमें डाल देंगे। एंड मुस्कान ने लिखा है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें जितना चाहे उतना पानी डाल सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालना चाहूंगी। एंड बाय द वे मैं आप सबको बता दूं कि ये जो फीडबैक है ना, ये मुझे मेरे पति ने दिया था कि जब किसी और की आप रेसिपी बना रहे होते हो तो आप बोलो कि आप नहीं कर रहे हो, उन्होंने बताया आपको करने के लिए। सो इसीलिए मैं आज बार बार आपको मेंशन कर रही हूं। ओके शोएब। और अब हमें इस ग्रेवी को अच्छी तरह से कुक करना है फॉर 10 to 15 मिनट। 5 मिनट्स आई विल कुक इट ढक के, उसके बाद मैं जो है ढक्कन हटा दूंगी। सो मीनवाइल हम लोग पराठा बना लेते हैं, क्योंकि इतनी यम लग रही है ना कि मुझे जल्दी जल्दी खाने का मन कर रहा है। सो जब तक करी रेडी हो तब तक हमारा पराठा रेडी हो जाएगा, फिर हम टेस्ट करेंगे। ओके डन। तो हम इसे खोलेंगे अभी। ओके पराठा बनाऊंगी और ये पहला जो है वो मैंने रोल आउट कर लिया है। शेप मत देखिए, मुझे पतला बनाना था इसलिए मुझे ऐसा रोल आउट करना पड़ा। ओके सो इसका ये है कि आप जो वर्कटॉप पे हम लोग सूखा आटा या मैदा लगाते हैं, हमें वो नहीं लगाना है। हमें वर्कटॉप पे भी ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो लगाना है। तो मैंने नीचे भी लगाया था, इधर भी लगाया था। अब मैं इसके लेयर्स कट करने से पहले भी इस पे एक बार हल्का सा हाथ ऑफ घी रब करूंगी। पराठों में घी को लेके जेनरस होना ही पड़ता है, या तो फिर मत खाओ, है ना। जब हम पराठे खा रहे हैं तो भूल जाइए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आप जो खा रहे हो उसका। ओके सो ये हो गया। अब हम इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। ये अब ये स्ट्रिप्स आएंगी एक के ऊपर एक। एंड आई एम होपिंग कि ये जो घी हमने इस पे लगाया है, या अगर आप ऑयल भी लगाते हैं, उस वजह से जब हम इसे कुक करेंगे तो इसके लेयर्स अलग अलग निकल के आएंगे। बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस इन लच्छा पराठा। मैंने मलाबार पराठा पहले कभी नहीं बनाया है, मैंने लच्छा पराठा बनाया है। तो उसमें आप बीच में घी लगाते हो और उसे ट्विस्ट करते हो, तो वो घी की वजह से जो लेयर्स हैं वो खुल के बाहर आ जाते हैं बाद में कुकिंग के बाद। ओके और अब हमें इसे एक चकली की तरह रोल कर देना है। ओके और अब मैं हल्का सा मैदा डालूंगी कि मुझे इसे रोल आउट करना है। क्या आई कैन सी द लेयर्स। ये गरम हो चुका है तो ये मैं इस पे डाल दूंगी। हमारा पराठा रेडी है। यम, आई कैन ऑलरेडी सी द लेयर्स। ओके
केस जो चिकन है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. मैंने उसको करीबन 10-15 मिनट के लिए कुक किया है. अब मैं इसे सर्व करूंगी और हम बैठ के इसे टेस्ट करेंगे. केसो रेडी है हमारा मलाबार पराठा विद चिकन चेटी नान. ओके, नाउ पराठा में मैंने दो एक्सपेरिमेंट किए क्योंकि मुस्कान ने कहा था कि ऑयल लगाना चाहिए, तो मैंने ये पराठा जो बनाते वक्त मैंने आपको दिखाया उसमें घी लगाया था और इस वाले में मैंने ऑयल लगाया है. सो आई थिंक दिस इज बेटर. सो आप प्लीज़ ऑयल लगाइएगा और जो पराठा बेलते वक्त मैंने लास्ट में मैदा डाला था वो मत डालना, सिर्फ ऑयल यूज़ करो. आई नो इट्स मतलब इट्स बहुत ही हेल्दी है. जब खुद को ट्रीट करना है तो फिर सारे टेंशन भूल जाओ. ओके, अब जल्दी से टेस्ट करते हैं. सो मैं दोनों पराठों के साथ टेस्ट करूंगी. लुक एट दिस, इसके लेयर्स कितने खूबसूरत हैं. वाओ, और मैं अकेली हूं तो मैं इसी में से खाने वाली हूं. हाय, बहुत गर्म है. हमेशा ऐसा होता है टेस्टिंग में मैं गरम गरम खाना बनते ही ले आती हूँ और मुझे चटका लगता है. ओके, यम. चेटी नाट का जैसा फ्लेवर होता है बिल्कुल वैसा है. इट्स अमेजिंग. एंड जो पराठा है वो तो ऑब्वियसली मुंह में मेल्ट हो रहा है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है. एंड यू नो इट्स एक्चुअली टेकन मी बैक टू माई फ्लाइंग डेज क्योंकि एक मेन्यू हुआ करता था चिकन चेटीनाड विथ राइस एंड पराठा. तो जब भी वो होता था मैं वो ज़रूर खाती थी. एंड इट्स थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन. इट्स अमेजिंग रेसिपी, बहुत यम है. आप सब लोग प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए एंड प्लीज़ मुस्कान के पेज को सपोर्ट कीजिए. वो इंस्टा पे है उनका पेज, Vaya_my_plate. सो आप लोग भी जाइए और प्लान कीजिए आप ये कब बनाएंगे और इसे एंजॉय कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए. एंड फॉर नेक्स्ट वीक आई जस्ट कीप इट ओपन टू यू गाइज. जस्ट सेंड मी गुड इंटरेस्टिंग अमेजिंग रेसिपीज. प्लीज़ मुझे चटनी, मुझे पोहा, मुझे भेल, इन सब की रेसिपी मत भेजिए. प्लीज़ कुछ इंटरेस्टिंग भेजिए जो मैं आपको बना के दिखाऊं भी तो आप अच्छे मतलब इंजॉय करें बनाने में. सो या दैट्स अबाउट इट. और फिलहाल मैं अपना पराठा और चिकन इंजॉय कर रही हूँ. आप लोग जाइए, हैव फन, लव यू ऑल गाइज़.